नमस्कार दोस्तों, येली सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी येली की कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, सीएससी के एडमिन सेंटर संचालक हैं और अपना खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं, अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के बच्चों को, जैसे शहरों में शिक्षा मिलती है कि बड़े बड़े स्कूलों में ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करके दूर गांव से दूर दूर शहरों में जाके कुछ लोग पढ़वाते हैं अपने बच्चों को, वो शिक्षा आप गांव के गरीब से गरीब बच्चे को भी देना चाहते हैं कि उनको भी वो फैसिलिटीज मिले, वो शिक्षा मिले, ताकि उनको दूर न जाना पड़े और साथ ही आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी हो। तो आप सभी के लिए दोस्तों सीएसटी बाल विद्यालय एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ अपने गांव वालों की, आसपास वाले लोगों की भलाई का काम आप कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपकी इनकम में भी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे सीएससी बाल विद्यालय के भीतर एक सीएसआर का भी एस्पेक्ट है, जिसके भीतर जो बाल विद्यालय के सेटअप के लिए लगभग 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है, लेकिन वो शायद हर वीएली भाई को ना मिले। उसके लिए मैं उस पर जाने से पहले बाकी जो सभी सीएससी वीएली भाइयों को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं सीएससी बाल विद्यालय कॉन्सेप्ट के जरिए से, वो क्या क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि पता है आप सभी को, सीएससी का इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके माध्यम से आजकल जो भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, आप देख लोगे सबसे टॉप लेवल की जो भी कंपनियां हैं वो सीएससी ग्रामीण स्टोर पे एडेड है। इसी तरीके से जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएससी बाल विद्यालय का अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आती जा रही है, बहुत सारी चीजें आती जा रही है। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर आप नेट पे सर्च करोगे कोई भी अच्छा स्कूल है जो फ्रेंचाइजी देता है, तो उसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगभग आपको 10 लाख 15 लाख 25 लाख रुपए तक का सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है, और उसके साथ में भी आपको पर स्टूडेंट के हिसाब से या उनका जो एनुअल होता है उसके हिसाब से पे करना पड़ता है, तभी आप उस नाम का उपयोग करके अपने यहाँ पे स्कूल चला सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनका नाम होता है, इसकी वजह से उनका करिकुलम होता है, उनका पूरा सिलेबस होता है, उसकी वजह से आपको जो है बच्चों को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। उसी तरीके से दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है सीएससी बाल विद्यालय सीएससी का ही कॉन्सेप्ट है, और सीएससी की तरफ आजकल जो भी कंपनियां हैं, जो भी बड़े से बड़े स्कूल हैं, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में, हर पूरे देश में, पूरे गांव में सीएससी का कवरेज है, इसलिए जो है बड़े से बड़े स्कूल भी सीएससी से जुड़ना चाहेंगे या सीएससी पे मैं कहूँ तो ऑनबोर्ड हो सकते हैं बहुत जल्दी। तो अभी जैसे सीएससी बाल विद्यालय केवल हमारा प्री स्कूल है, जिसके भीतर क्या होता है, स्कूल में जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में कागजी पढ़ाई वाले से पहले उनको खेल खेल में पढ़ाने की परंपरा रहती है, कि एक तो तरीका होता था ट्रेडिशनल हम लोगों के जमाने में कि डांट के पढ़ाया जाता था कि ये पढ़ना है, तो डर में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अभी क्या है बच्चों को थोड़ा खेल खेल में पढ़े वो चीजें। इसके लिए सीएससी बाल विद्यालय काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसके भीतर काफी दोस्तों ने, काफी वेली भाइयों ने कॉन्सेप्ट चलाया भी, इसका अपने यहाँ पे बाल विद्यालय सेटअप किया, उनका काफी सक्सेसफुल चल रहा है, काफी लोगों का तो स्कूल था उसी को पूरा का पूरा उन्होंने बाल विद्यालय बना दिया। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप खुद का स्कूल खोलना चाहते हैं या अपना स्कूल एजुकेशन क्षेत्र में अपना बिजनेस देखना चाहते हैं, तो सीएससी बाल विद्यालय का फ्रेंचाइजी जरूर अप्लाई करिएगा। और इसके भीतर क्या है दोस्तों बेनिफिट्स आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत ही जल्दी सीएससी का जो एग्रीमेंट है वो एक बहुत ही जाने माने स्कूल चेन से होने वाला है, जिसके बाद से क्या होगा कि आप उस ब्रांड का, उस सीएससी बाल विद्यालय के भीतर उस ब्रांड के नाम का आप स्कूल चला सकते हैं। यानी कि अभी आप छोटे बच्चों को ही आप प्ले ग्रुप वगैरह पढ़ाते हैं, नर्सरी केजी वगैरह की क्लासेस जो चलती हैं, उसके साथ में ही आगे चल के अभी आपको जो बड़े फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ इस तरीके से आप जो है एक अच्छा खासा स्कूल एस्टेब्लिश कर सकते हो, वो भी बहुत ही कम फ्रेंचाइजी फीस में। क्योंकि अगर बाहर से जाएंगे तो 15-20-25 लाख रुपए देना ही पड़ता है, लेकिन सीएससी के साथ में क्या होता है कि सीएससी का इतना ज्यादा नेटवर्क है, इतने ज्यादा हर ग्राम पंचायत में हमारे वीएली भाई हैं, उनकी मेहनत और उनकी स्ट्रेंथ के कारण हर कंपनी, हर संस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं या एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो सीएससी बाल विद्यालय के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। लगभग 2400 रुपए हर साल आपको पे करना पड़ता है एज ए फ्रेंचाइजी फी, उसके बाद आप कितने भी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हो, और साथ ही साथ आप जो है स्टूडेंट से जो भी चार्ज करते हो उसपे भी अलग से आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है। यानी कि आप स्टूडेंट से 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए जो भी आप फैसिलिटीज दे रहे हो उसके हिसाब से आप फ्रीली हो, आप अपने हिसाब से उसको चार्ज कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। अभी 5 लाख रुपए वाला क्या सीन है, कौन से वीएली भाई को किस तरीके से मिल सकता है, उसको बताने के लिए ले चल रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आगे की जानकारी देने के लिए मैं लेके आ गया हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे आपको जाके सिंपली से गूगल पे सर्च कर लेना है सीएससी बाल विद्यालय। ठीक है, इतना लिख के जैसे ही आप सर्च करोगे तो ऊपर से दूसरे नंबर पे आपको एक लिंक मिल जाएगा vlesociety.com की वेबसाइट पे, सीएससी बाल विद्यालय अप्लाई ऑनलाइन वाला, इस पर सिंपली से क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको सीएससी बाल विद्यालय के बारे में
पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन कौन से लोग इसको खोलने के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या टीचर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सारा सब कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप जो है CSE बाल विद्यालय को अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट और बेनिफिट वगैरह यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ से क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके लिए, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, उनको भी एक तरफ के आप जरूर इसको जो है पढ़िएगा। और यहाँ पे जो इमेज गैलरी है उसको भी ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आपको अपना जो CSE का बाल विद्यालय है उसको सेटअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे विद्यालय के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। और अप्लाई पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अगर आप एक CSE वाले हो तो टिक कर देना है, नहीं हो तो नो पे टिक कर देना है। और बाकी जो डिटेल मांगी जा रही है वो सारी डिटेल डाल के आपको सबमिट करना है। अगर पहले से कोई स्कूल आप चला रहे हो तो यहाँ पे उसकी डिटेल दे देनी है कि कहाँ से एफिलिएटेड है, क्या है, और अगर नहीं है तो आपके पास कितना एरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है डालोगे कि टीचर कितने हैं, उनकी कितनी सैलरी है, KG की जो है क्लास की फ़ोटो, प्ले ग्रुप की फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है और एग्रीमेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी परेशानी आती है, आप अपने CSE के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह कैसे क्या बनाना है वो सारी चीज़ें वो आपको मदद कर देंगे। लेकिन हर ब्लॉक में शायद एक ही बनना है, तो ऐसे में अगर आप जो है थोड़ा सा जल्दी उनसे बात करेंगे तो मे बी आपको मिल जाए। अगर किसी ने पहले से खोल रखा है तो ऐसे में हो सकता है आपको ना मिल पाए। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों कि 5 लाख वाला जो मैंने बताया वो किस तरीके से क्या है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि CSE के माध्यम से बहुत सारे CSR एक्टिविटीज़ भी चलता है, जिसके भीतर बहुत सारी कंपनियाँ जो CSE के साथ में काम करती हैं, चाहे वो बड़े बड़े बैंक्स हों या फिर अन्य कोई संस्था, वो क्या करती हैं अपनी क्षमता के अनुसार से जितना उनका CSR का होता है प्रोजेक्ट या फिर कह लें CSR का जितना भी फंड होता है उसके हिसाब से वो एक्टिविटी करती हैं CSE के साथ में। जैसे किसी को वहाँ पे मॉडल CSE सेंटर खुलवाना है, किसी को प्लांटेशन करवाना है, किसी को सैनिटरी नैपकिन बटवाना है, इसी तरीके से यहाँ पे CSE बाल विद्यालय का भी कॉन्सेप्ट है इसके भीतर, जिसपे 5 लाख रुपए तक का CSR कॉस्ट जो होता है वो दिया जाता है। अगर कोई सांसद, विधायक या कोई कंपनी उस चीज़ को या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति उसको उस गाँव को गोद लेता है VLE के, और वहाँ पर CSE बाल विद्यालय या प्राइमरी स्कूल के भीतर जो CSE बाल विद्यालय का सेटअप करने के लिए वहाँ पे योगदान करता है, यानी कि 5 लाख रुपए तक का डोनेशन दे सकता है, गोद ले सकता है उस गांव को। और ऐसे में अगर आप एक CSE वाली हैं तो अगर आपके गांव को लिया जाता है तो ऐसे में आपको जो भी काम आपके गांव में करवाया जाता है उसके हिसाब से आपको उसमें आर्थिक सहायता मिल सकती है। जैसे कि बाल विद्यालय खोलने के लिए यहाँ पे 5 लाख दिया जा रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारे और काम हैं जो CSE के माध्यम से VLE के माध्यम से होने हैं, उसमें किस तरीके से होने हैं वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि इस पर किसी दिन और जो है डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जिसको भी गोद लेना है वो अपनी मर्जी के विलेज का चयन करेगा, क्या काम उसको करवाना है, कितना पैसा लगेगा वो वहाँ पे लिख के सबमिट करेगा, टीम कॉन्टेक्ट करेगी उसको और फिर वो VLE के साथ में बात करवाएगी, और बात करवाने के बाद वो CSE को अमाउंट पेड किया जाएगा, एक्टिविटी जो होनी है वो की जाएगी और उसकी रिपोर्ट जो है VLE के माध्यम से जो डोनर हैं जिन्होंने भी पैसा दिया है उनको शेयर की जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डिटेल से बना दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपसे वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछेगा। मिलता है ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछेगा। बाय बाय, जय हिंद।